जुहार मुई बेणु पश्चिम ओडिशार छोट बड़ खबर के नेकर देखमा नुआखाई एक्सप्रेस हेले मूलकर्मा मुखिया खबर नु प्रकाश पाइला युक्त दुई कला आरु धंदामूलक शिक्षा परीक्षा फल युक्त दुई कला ने 98.58% पिला पास प्रथम डिविजन्स ने पास करिचन 30,510 पिला शिशु के करोना डोर बुर्ला भीमसार ने दुई जन शिशु कोविड ने आक्रांत 7 मास आरु 5 बरस पिलार कोविड वार्ड ने चली चिकित्सा सियाड़े जे राज ने आरु 67 मुंड नेला करोना मृत्यु संख्या 6,823 के वृद्धि फेर अंधारी चिकित्सा बुर्ला ने विद्युत काट परे मोबाइल लाइट ने ऑपरेशन कले डाक्टर जेनेटर लगे स्वतंत्र केबुल व्यवस्था नहीं थानु रोगी गुलगुला केबुल कनेक्शन नहीं थानु नाई लगि पार्ला जेनेटर राउरकेला ने जमी ठके जमी माफियांकर दलाल साजिचन जिलापाल होटल तैयारी करवा बहाना देखे करी सप्ताह ने बिकी देछन जमीन प्रतिवाद ने कांग्रेस रो आंदोलन बलांगीर 1 नंबर छता यूनिट ने बड़ दुर्नीति किरासिन ना थी पैसा लूट बादाम गहम भाजबा के जहाँ के गिना जाऊछे 800 लीटर निजे किरासिन बिकिछन आरो किनिछन एसएचजी ग्रुप रो सभापति बहुत जिला ने दिन कु दिन बढ़ी चलते सांपचबाती मरण संख्या हॉस्पिटल ती सांपचबा उत्सव नाई मिलुथिबार अभियोग सचेतनतार अभाव लागि लुके हुछन गुणेगानी आश्रय प्रश्न आरु केते दिन जीवन गले चेतवा प्रशासन आरु रात पाइले देश पालबा 75तम स्वाधीनता दिवस दिल्ली ना हाई अलर्ट एंटी ड्रोन आरआर और सीटीसीबी स्कैनर लाल किला राज ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ाकुड़ी आसमा पूरा खबर के प्रकाश पाइचे युक्त दुई कला आरु धंदामूलक परीक्षा फल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय ने फलाफल घोषणा करिछन विद्यालय आरु गणशिक्षा मंत्री इ बरस कला रेगुलर पास हार 98.58% रहीछे 8,99,363 रेगुलर पिला परीक्षा देथिले सेथिनु 1,86,685 जन पास करिछन प्रथम डिविजन ने पास करिछन 30,510 जन सेन्ता द्वितीय डिविजन ने 46,101 जन आरु तृतीय डिविजन ने 10,064 जन पास करिछन 90% नु अत्का रखिछन 95 जन छात्र छाती कला एक्सरेगुलर ने परीक्षा देथिले 27,595 आरु पास करिछन 7,161 जन एस रेगुलर ती प्रथम डिविजन पाइछन 2,126 जन एस रेगुलर ती द्वितीय डिविजन ने पास करिछन 1,933 जन सेन्ता तृतीय डिविजन पास करी चन 6,736 जन छात्र छात्री माने ओडिशा रिजल्ट NIC.in ने से मानकर रिजल्ट पाई पारबे कोरोना लागि इ वर्ष परीक्षा बातिल हेतिबा इतिर लागि रिजल्ट भी बाहरिचे कला धंदामूलक स्रोत एवं पत्र विनिमय पाठ्यक्रम कला वाणिज्य फल जोटा आमर वर्तमान आम पुस्तिका उन्मोचन करछे प्रकाश करिया जाउछे परीक्षार्थी माने www.odisharesults.nic.in रे वेबसाइट रे निज फलाफल जानिपारे एवं निजर मार्कशीट डाउनलोड मध्य करिपारे एही फल प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय रो साम्स ई स्पेस रे मध्य उपलब्ध हबो परीक्षार्थी माने हेल्पलाइन नंबर 0674230109 आवश्यक सूचना पाई पारिबे।
परीक्षार्थी मानू अल्टरनेटिव आसेसमेंट स्कीम अनुजाई मार्क प्रदान करा जाय अछि। परीक्षार्थी मानकर रिजल्ट रे तथ्य आधारित कौन से त्रुटि थिले संपृक्त परीक्षार्थी उपयुक्त प्रमाण सह निजर अभियोग प्रिंसिपल निकट रे ता 23/8/2021 सुधा दाखल करि पारिबे। प्रिंसिपल उक्त अभियोगर सत्यासत्य जांच करबा परे अभियोग सत्य होइथिले मार्कशीट और अन्यान्य प्रमाणगत दस्तावेज को आटेस्टेड करी फॉरवर्डिंग लेटर सह परीक्षा नियंत्रकों निकट में स्वतंत्र ईमेल माध्यम 24/8/2021 सुधा दाखल करेंगे। ए संक्रांत विज्ञप्ति आज परिषद पक्षर प्रकाश पाइब। आर्ट स्ट्रीम रेगुलर रिजल्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर 1,99,363 नंबर ऑफ कैंडिडेट पास 1,86,685 98.58% नंबर ऑफ कैंडिडेट पास इन फर्स्ट डिवीजन 30,510 जहाँकि विगत वर्ष 21,925 होता 2020 चलित बर्ष 30,510 नंबर ऑफ कैंडिडेट पास इन सेकेंड डिवीजन 46,101 46,101 जहाँकि 2020 25,291 नंबर ऑफ कैंडिडेट पास इन थर्ड डिवीजन 10,014 जहाँकि 2020 88,923 कैंडिडेट सिक्योरिंग अभव 90% संख्या होती 95% अभव 90% जोटा कि 2020 1 आसमा अलग खबर के बुर्ला भीमसार ने दुई जन शिशु कोरोना पॉजिटिव होइछन। एने करी सूचना देइछन भीमसार सुपरिटेंडेंट डॉक्टर लालमोहन नायक। आक्रांत थिबा दुई जन शिशुंकर बयस 7 आरु 5 वर्ष आए। दुई शिशुंकर स्वास्थ्य अवस्था ठीक अछि बोली कहिछन सुपरिटेंडेंट। दुई जनकर कोविड वार्ड ने रखा चली छि। राज्य ने कोरोना मृत्यु ने नाई लगभार ब्रेक। फेर 67 जनकर जीवन नहींचे महामारी। राज्य ने मोट मृत्यु संख्या 6,823 के वृद्धि पाई। सेन्ता गला 24 घंटा ने 1,132 नुआ आक्रांत चिन्हट होइछन। 657 जन क्वारेन्टाइन चिन्हट होता बेलके लोकाल केस रही है 475। खोर्धान अयत्का 410 आक्रांत चिन्हट होइछन। समलपुर बुर्ला ने विपर्य स्वास्थ्य सेवार नग्न चित्र। घंटा घंटा धरी विद्युत काट लागि मोबाइल लाइट ने हला ऑपरेशन काम। मेडिकल ने जेनेटर लागि स्वतंत्र केबुल व्यवस्था नहीं थिबानु एंता दशा भुगिछन रोगी। विभाग कामचला नीति लागि रोगी जीवन प्रति विपद सृष्टि होइछे। आज सकाले शल्य विभाग ने अस्त्रोपचार लागि जने रोगी के हीनस्था होगाके पड़े। हेले इ समय ने गुर्दू बेलतर विद्युत काट होइथिबानु मोबाइल लाइट ने ऑपरेशन करवाके डाक्टर बाध्य होइथिले। मस्तिष्क शल्य ऑपरेशन कक्ष कर्ण नासा आरु गला अस्त्रोपचार कक्ष ने केन्द्रीय आईसीयू हृदरोग विभाग एनएससीयू ने भी रोगी चिकित्सा ने बाधा सृष्टि होता। अनेक रोगी बहुत हरियाण भी होते। तेज घटना लगे बुर्ला मेडिकल डीईजी विभाग के दायी कर लोकाल लोक। राज्यर एक नंबर छतुआ यूनिट ने एक नंबर घोटाला। लुट होछे छतुआ टंका। आरटीओ तथ्यु आसीचे सांघातिक प्रमाण। बलांगीर जिला ने खुलम खुलाम लुट होछे छतुआ टंका। छतुआ भाजीबा व्यवहार होछे किरासिन। किरोसिन ना ने केलेंकारी करूछन ग्रुप मुख्य। एक नंबर छतुआ यूनिट ने बड़ दुर्नीति। किरोसिन ना थी पैसा लुट।
बादाम गहम भाजबार के मास्क घिना जाइछे 800 लीटर किरोसिन छतुआ तैयार लगी बलांगीर जिला लोईसिंघार पल्लवी छतुआ प्रस्तुतकारी केन्द्र के पछा जाइछे छतुआ लगी बादाम सूजी चीनी आरु गहम के भाजबार के एसएचजी ग्रुप चूला व्यवहार करसन हेले पल्लवी एसएचजी ग्रुप छतुआ भाजबार लगी व्यवहार करुछे किरोसिन सेटा फेर मास्के 400 नु 800 लीटर हेले बड़ कथा हेउछे पल्लवी एसएचजी ग्रुप रो सभापति प्रेमलता नाग निजे किरोसिन बिकिछन आरु घिनिछन सूचना अधिकार आईन तथ्य देखु 500 लीटर किरोसिन लीटर पिछा 50 टंका ने निजे बिकिछन आरु निजे घिनिछन इथेर काय जे 25000 टंका नेछन आर गुटे भाउचर ने निजे प्रेमलता 440 लीटर किरोसिन देकिना 22000 टंका नेछन एका संगे 840 लीटर किरोसिन पल्लवी छतुआ यूनिट के देकिना 42000 टंका नेछन प्रेमलता छतुआ भाजबार के स्टोव ने किरोसिन दरकार पड़ुछे इथे लागी सीडीपीओ कहुतला बेले ग्राउंड ने चूला न छतुआ सामग्री भजा चलीछे अफिचो के नामान बार प्रेमलता सीडीपीओ हो कि आर जेन भी अधिकारी भी हो से ब्लॉक परिसर रे जानु छन आ तार ऊपर जद भी धरन गोटे निहाती कर्तव्य सरकारी अफिसर गोटे कर्तव्य रहबार कथा कि किसी लीगली देखला बेले तार ऊपर से तार डिपार्टमेंट रेले भी अलग डिपार्टमेंट रेले भी से डिपार्टमेंट अधिकारी के जनाबार कथा आ सीडीपीओ मैडम जेहेतु जानुछन जे 500-600 लीटर किरोसिन गोटे एसजी के बिक्री होचे जने दुई जन बिकु बा हाँ बादम भाजुछन से बिकुछन जधिर भी से किरोसिन आ सीडीपीओ मैडम से वीडियो के सप्लाई के आर कहा नहीं कहवा जाते किरोसिन पहुँचु केनु बोली भी सदा के नहीं पचराबार मैं मोर जहाँ दूर लगुच सीडीपीओ मैडम संपुक्त रहकर चलू क्या बोल मुझे भावुछे फोर्जरी केन्ता कलु आज्ञा ब्लाक ने किनलु ब्लाकटा तो फोर्जरी नई से फोर्जरी नई से आम किनलु आर से आम हिसाब करमु ना 500 लिटर है कि नहीं है बोलिकी गोटे माँ गला 100 लिटर आनला आर गोटे माँ गला 200 लिटर आनला आर गोटे माँ गला 50 लिटर आनला सबके मिसाई देकरी से पैसा हिसाब करी आम से भाउचर करी आम पैसाटा काढ़ूल एते परिमाण रे केरोसिन आणबारटा सेमाने तो निजे जोगाड़ करूथिले बहुत सेमाने कहिछन भी बहुत गाँ गाँ बोलिकर सेमानके जेहेतु गोटे प्लांट बसीचे आउ ओडिसा रे तांकर ना नेइकर गोटे प्लांट सेथिलागि सेमाने छाड़ी देबाके भी तांकर क्षति हेले भी छाड़ी देबार लागि सेमाने नै चाहि बहुत कम लाभ रे जेतेबेले केरोसिन किणारे तांकर अधिक पैसा पळे जाउछि सेमाने पर हेड बेनिफिशियरी जेते पारिश्रमिक जेते पावार कथा सेटा भी कमी जाइछि आमे सेटा भी एनालिसिस करिछु महिला और शिशु विकास मंत्री कहिछन सेंता केनसी अभिजोग नाही आसी लिखित अभिजोग देले कार्यानुष्ठान निया जिबा किछि कंप्लेन नाही आपन पाके जदि अछि मते लिखित आकार दियंतु मु कलेक्टर को देके ना इन्क्वायरी करे देबी इन प्रश्न उठुछे प्रति मास ने 100-100 लीटर किरोसिन प्रेमलता नाग पाइले केनु तांके एते किरोसिन देला के इटा कलाबजारी किरोसिन नाही तो लोईसिंघानु राधेश्याम हाथियार बलांगीरनु वीडियो जर्नलिस्ट सुजित सेटकर संगे तरुण साहूं रिपोर्ट अर्गस न्यूज एबे समय है गोटे ब्रेक रो ब्रेक उतारु देखमा आर किछ खबर ब्रेक उतारु स्वागत 48 घंटा परे खरीफ धान पंजीकरण अवधि सर्वा हेले पंजीकरण नु बात पड़िछन लाख लाख चासी इथि लागि सेप्टेम्बर 15 तक अवधि वृद्धि करबा लागि दाबी करिछे बीजेपी ए नै करे झारसुगुडा जिला पांकर संगे कथा लागिछन बीजेपी टीम तेबे ई बाबद ने अधिक आलोचना लागि आमर संगे जुड़ी छन आमर प्रतिनिधि झारसुगुड़ा नु सुरेंद्र बारिक सुरेंद्र देखमा गला वर्ष पाखापाखि 14 लक्ष लोक चाषी पंजीकरण करि सटले एबे ई बरस पाखापाखि 9 लक्ष होइछे आरु देखबाक गले पाखापाखि 5 लाख चाषी पंजीकरण नै करबा जेतेबेले देखुछु राज ने मौसमी भी पूरा तार भलकरी नै आसबा विभिन्न जगह ने समस्या भी देखा चाषी गुलगुला ने चलुचे तो ई समय ने सरकार काण करबा पर लागुचे जेहेतु पाखापाखि 5 लक्ष चाषी एबे भी हेन्ता रहीछन पंजीकरण नै करि पारबा सुरेंद्र
देखुन बेनु जदि आम गला बर्षर जदि स्टाटिस्टिक देखमा जेटा फूड ओडिसार तथ्य कहुचे जे राज्य रे 1472946 जन चासी तमने रजिस्ट्रेशन करथिले वेरीफाइड फार्मर थिले किंतु चलित वर्ष जेहेतु अगस्ट मास 48 घंटा पर अवधि सरबा तो वर्तमान सुधा 9,04,000 चासी ही रजिस्ट्रेशन करछंती जदि गला बर्षर हिसाब रे जदि देखमा पाखापके 5,67,000 चासी रजिस्ट्रेशन निहा करि पारंत तो पूर्वर हले बीजेपी गुटे अभियोग करूला दाबी हेले करूला केवल बीजेपी नुह चाषी संगठन मैंने दाबी करते जे तार इटा एक्सटेनसन कराऊ जेहतु एवं भी तमें लक्ष लक्ष चाषी रेजिट्रेसन करबारु वंचित होचन तो आज झारसुड़े इनकी बीजेपी कृषक मोर्चार राज्य सभापति प्रदीप पुरोहित गोटे प्रेसमिट कर राज्य सरकार उपर बर्सीचन जे राज्य सरकार जे ने चेहबार जे राज्य जे चाषी अच्छा से एम एस पी तार रेट पापर बोली तो आज झारसुड़े कृषक मोर्चार जे जे जेते बेले कमी आउछे ना दिन कमी आउछे आर किछ दिन रहला ई समय ने काण करबे पर लागु जे चास माने सरकार आके डेट बढ़ाबे कि नहीं देखुन जेहेतु इटा केवल बीजेपी नुहे पश्चिम ओडिशार विभिन्न चाषी संगठन से गोटे मासे अधिक तुम सरकार बढ़ुन बोली कहछन तो आम सांगे बीजेपी जिला सभापति मंगल साहू अच्छा तो आज से प्रेसपुट से निजे उपस्थित थे जेहेतु झारसुगुड़ा जिला कथा कहन कि अभिव्यक्त समलपुर जिलार कथ कहून गोटे विशेष परिस्थित सृष्टि ये वर्ष जेहेतु राज्य सरकार गोटे कथ कौन जार पाखे जमी पट्टा नाइन ताके जे भागचाषी कथ कौन ताके जमी मालिक कनसेंट दि लगा बोली तो जेहेतु हीराकुद रिजर्वर रे हजार हजार चाषी विस्थापित होचन किंतु एबे भी से राजस्व विभाग जमीन थी जल संपद विभाग जमीन थी चाष करुचन तो बर्तमान कनसेंटा राज्य सरकार देवे कैं तार गोटे बड़ प्रश्न अच्छे तो आम सागे सीधा सड़क जोड़ बीजेपी जिला सभापति मंगल साहू आज्ञा आज आपंकर कृषक मोर्चार गोटे छटा जिलार सांगठनिक बैठक लेकिन आज गोटे बीजेपी गोटे प्रेसमिट हल्ले कर चाषी समस्या को लेकर तो बर्तमान जेहेतु पंजीकरण मात्र 48 घंटा रोचे पाखापाखि 6,00,000 चाषी तमने गला बर्ष हिसाब से कहतु नदीबंध योजना रे अविभक्त समलपुर जिला विशेषकर झारसुड़ा जिलार जो विस्थापित माने अछंती से माने तांकर चाष करुछंती से रिजर्वर भितरे 300-632 पर्यंत एक्वाड कराहितिला 632 आरएल किंतु पानी माळुची 630 आरएल पर्यंत तो मझीरे जो 32-30 रहिला से भितरे हजार हजार एकर रहुची जो विस्थापित माने चाष करुछंती धान बिक्री करि पारनांती काहेकि तांको पाखरे मालिकाना नाही ओडिशा सरकार पाखरे अछि जेहेतु तांको धान किणु नाही सरकार मालिकाना नथिबा कारणरु पट्टा नथिबा कारणरु वर्तमान राज्य सरकार तार रेवेन्यू अधिकारी अछि मालिक अछि तांको कनसेंट दियंतु एवं चासी मानक धान किणंतु कथा आम देखुलु जे मुख्यमंत्री निज जिला जदि कह गत वर्ष 30,000 ऊर्ध चाषी रजिस्ट्रेशन करते तो चलित वर्ष जदि आम देखा पाखापाखि 50,000 चाषी बर्तमान सुधा रजिस्ट्रेशन कर पारिना जदि देखा कटक रही से सामान स्थित बरगड़े हेले जदि आम जेहेतु पश्चिम ओडिशार भातहांडी ओडिशार भातहांडी कौ तो चाषी हजार हजार चाषी बर्तमान रजिस्ट्रेशन कर पारिना जेहेतु बीजेपी आज गोटे डिमांड कर गोटे मसे वृद्धि निहाती भाव में देखुले आम झारसुगुड़ा नु आमर पश्चिम ओडिशा बिरू चीफ आम सागे जोड़ी जेन जिते बेले चाषी समस्या देखा देखे आर 48 घंटा पर खरीफ धान पंजीकरण सरुचे तो निहाती भाव चाषी मान गोटे मन में गोटे आशंका रोचे कि आके डेट घुंचवा कि नहीं इटा कि गोटे बड़ प्रश्न आसुचे जिते बेले मौसमी भलकर नहीं आसवा विभिन्न समस्या चाषी लगि रही है इ समयाती जिते बेले पंजीकरण लगी लास्ट डेट अच्छे आर मात्र 48 घंटा रहा तेज सबुठ बड़ प्रश्न यहाँ हो सरकार क्या जे चाषी मैंने कहे क्या जे चाषी मैंने सरकार के कहे सरकार क्या जे निज आड़ नहीं देखा ये जिनके आसमा अलग खबर के राउरकेला ने जमिया माफिया सागे जिलापाल मधुचंद्रिका अभियोग सिविल टाउनशिप ने डिस्मिल पिछा 13,00,000 नु एतका जमी के व्यवसाय के डिस्मिल पिछा 85,000 ने टेकी दे प्रशासन कांग्रेस तरफ नु जोरदार प्रतिवाद करा जाए राउरकेला ने जमी ठकेई जमी माफिया दलाल साजिछन जिलापाल होटेल तैयारी बहाना ने व्यवसाय के कम दाम ने जमी बिक्री अभियोग जिलापाल पवन कल्याण आरु जमी माफियांकर मधुचंद्रिका अभियोग राउरकेला सिविल टाउनशिप रो नेक्सा शोरूम पछे थिबा 60 डिसमिल जमी के कम दाम थी प्रशासन जने
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛେ କଂଗ୍ରେସ। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଏହି ଜମିରେ ତରବରିଆ ହୋଇକରି ବାଡ଼ା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ କାମକେ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପସ୍ ଏରିଆଟା ରାଉରକେଲାର, ନିହାତି ଏକଦମ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଭାଲ୍ୟୁବଲ ଏରିଆଟା, ସେଇଥିରେ ମାନେ ଏକରେ 25 ଡେସିମିଲ ଜାଗା, ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ କରିକି ଯେଉଁଟା 40 ଡେସିମିଲ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏଇଟା 60 ଡେସିମିଲ, ଆରଟା ତାଙ୍କର 25 ଡେସିମିଲ ତାଙ୍କର ଦେବେ। କହିବାର କଥା ଏଇଠାକ ଜମିର ମାଲିକ ହେଲେ ଆମର RDC ଯିଏ LSC କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ୱିଦାଉଟ୍ LSC କମିଟି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କୌଣସି ଜମି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଇଟ୍କୋକୁ ଦେଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, ଇଟ୍କୋକୁ ଦେଲେ କେମିତି, ଏବଂ ଇଟ୍କୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ଜମିଟା ସେ ଟେକିଦେଲା ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ, ଯେଉଁଟାକି ଡେସିମିଲ ପିଛା ତାଙ୍କ ଦାମ ହେଲା 85,000 ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସରକାରୀ ଦାମ ରେଭେନ୍ୟୁ ରେଟ୍ ଏଇଠାକ ଜମିର ହେଲା 13,00,000 ଟଙ୍କା। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଜମି ତାର ମାଲିକ ସେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା କଥା। ଏଠି ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ରାଉରକେଲା ସହରରେ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ପାଉନାହିଁ ବାସଗୃହ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମେ ଠିଆ ହୋଇକି ଏ ଯେଉଁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏଠି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁହନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ମାନେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରୁଛନ୍ତି ଜମି କେଳଙ୍କରୀ ପାଇଁ, ଏହା ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ। ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍ ଜମିର ଦାମ ଡିସମିଲକେ 13,00,000ରୁ ଅଧିକା, ହେଲେ ସମାନ ଜମିକେ ଇଟ୍କୋ ଡିସମିଲକେ 85,000ରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ସିଭିଲ ଟାଉନସିପ୍ରେ ଅଧିକାଂଶ ଜମିକେ ନେଇକରି ହାଇକୋର୍ଟ ନେଇ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାକେ କେନ୍ତା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିକ୍ରି କଲେ ତାକେ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ ଆଇନଜୀବୀ। ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛି ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ଟର ଇନକ୍ୱାରୀ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲୁ ଏରିଆ ନମ୍ବର 7 & 8, ଟାଉନ୍ ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର 41-42, କନସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ 200 acres, କନସିଷ୍ଟିଂ ଅଫ୍ 200 acres ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ଆସି ବିରୋଧ କରୁଛୁ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା ବି ତାରି ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ 46 ପ୍ଲଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ଲଟ୍ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ବି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଛୁ। ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା ଯଦି ମୋର ପ୍ରଥମ ଇଏଟାକୁ ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିନାହ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଏଇଟା 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶୁଣାଣି ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାଲାକି କରିକି ଇଟ୍କୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଟାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶାଗ ମାଛ ମୂଲ ଦରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେ ଦରରେ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ରାଉରକେଲାର ପୂର୍ବତନ ତହସିଲଦାର ମାନସ ସାହୁଙ୍କର ନାଥି ଜମି କେଲେଙ୍କାରୀ ନେଇକରି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ବି ହାତ ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଇହାଦେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛେ, କାହାର ଲାଗି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଖାଲି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ କି ଅଲଗା ଲୋକେ ବି ଦିଆଯାଇଛେ ଜମି? ରାଉରକେଲାନୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆସ୍ମା ଅଲଗା ଖବରକେ, ଅର୍ଗସର ମହାପ୍ରଭାବ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅସମ୍ମାନ ଘଟଣାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରବାର୍ ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା, ଯେନ୍ଥିନେ ଜାତୀୟ ପତାକାକେ ଭୁଲବାକେ ଛପା ଯାଇଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକେ ନେଇକରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପରେ ଏହି ଖବର ଅର୍ଗସ୍ନେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାର୍ ପରେ ନିଜର ଭୁଲକେ ସୁଧାରି କରି ନେଇଛନ୍ ବରଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପତାକା ମାନେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତା ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିଛି, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ନିଜର ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିକିରି ପୁଣି ମାନେ ତାକୁ ମାର୍ଜିତ କରିକିରି ଛାଡ଼ିବାଟା ଆମେ ଖୁସି ଏଥିରେ, ଏବଂ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ଯେପରି ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ତ୍ରୁଟିକୁ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅର୍ଗସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖବରକୁ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିବାରୁ, ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଯେମିତି ଆଗକୁ ନ ରହେ, ସେପଟେ ଟିକେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା।
ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମତା ବିରୋଧ ନେଇ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି କୁଞ୍ଚିଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନେ କୋଶଲ ବାହକ ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ବାପୁନି ମିନ୍ତାଲ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କେ ଜଲ୍ଦି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଲିକା ଦେବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଷ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ବି ଅଛି ସେ ଜମିରେ ସେମାନେ କାର୍ଡ଼ ଆଜି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ତ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବାର ଦଫାର ଆମେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଯେ ଏଇ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇକରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଆମର ଘେରେଇ କରବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ, ଆମର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଧିକାର ଅଛେ ସେ ଅଧିକାରନୁ ଯେନ୍ ସରକାରନୁ ଅବହେଳିତ ହେଉଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛେ ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ ସରକାର, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ଟାକେ କି ଆମେ ପାଇବାର୍ ଲାଗି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଯାଇକିରି ଆମର ବାବୁନିକ୍ତିମାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଉ ଏଇ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ଆସମା ଅଲଗା ଖବରକେ। ସକାଳର 8 ବଜେ ଲୁଟ୍। ରେଡ଼ାଖୋଲର ଗୋଟିଏ ସୁନା ଦୋକାନରୁ 45 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଆରୁ 15 କିଲୋ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଦୋକାନୀ ଜନକର ଘରୁ ଦୋକାନକେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରା ତାଙ୍କେ ପିଛା କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ସୁନା ଗହନା ଗ୍ୟାରେଜ୍କେ ନେଇ ଯାଇଛନ୍। ଚୋରି ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଘରୁ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିଲି, ବାଟରେ ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଦୋକାନଟେ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନଟି ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି, ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସି ଦୁଇ ଜଣ ହୋଇକିନା ଆସିଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ପିଲା ପଛାଡ଼ୁ ଡେଇଁକିନା ଗାଡ଼ିରୁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଝାମ୍ପି ନେଇଗଲା, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଝୁଲେଇକିନା ରଖିଥିଲି। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ 2ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରୂପା ସୁନା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଶାଗ ଜହ୍ନି ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା, ପରିବା ଥିଲା, ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉପରକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ତା ଦୋକାନକୁ ପଶିଛି, ତାକୁ କହିଛି, ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲି ସେ ଝାମ୍ପି ନେଇଗଲା। ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିଲି, ସେମାନେ କେଉଁ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କୁ 50 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଦୌଡ଼େଇଛି, ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲିନି, ଧର ବୋଲି ନା ଯେତେବେଳେ କହିଲି ସେମାନେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପଳେଇଗଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ସମୟ ହେଇଛେ ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେ ନରକମା ଜୁହାର।